में गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। लंबे समय का आर्थिक आयोजन पूरा कर सकेंगे। व्यवसाय में भी योजनाएं बनेंगी। परोपकार के उद्देश्य से किए गए कार्य से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। वृषभ, परिश्रम के अनुपात में अल्प परिणाम मिलने पर भी आप निष्ठापूर्वक कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आपके क्षेत्र की विशालता और वाणी की मधुरता अन्य लोगों को प्रभावित करेगी और उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। मिथुन, गणेश जी कहते हैं कि अत्यधिक भावना आपके मन को संवेदनशील बनाएगी। विशेष रूप से जलाशय और स्त्री वर्ग से सचेत रहना पड़ेगा। मन की परिस्थिति डावाडोल रहने के कारण निर्णय शक्ति का अभाव महसूस करेंगे। कर्क, गणेश जी बताते हैं कि आज कार्य सफलता आपकी राह देख रही है। इसके कारण आपका आनंद उत्साह दोगुना होगा। मन ताजगी और प्रफुल्लता अनुभव करेगा। सिंह, आज आपका दिन मिश्र फलदायी रहेगा ऐसा गणेश जी कहते हैं। लंबी अवधि के आयोजन आपको दुविधा में डालेंगे। कार्य में निर्धारित सफलता नहीं मिलेगी। परिवार में मेल मिलाप का वातावरण रहेगा। कन्या, आपकी वाणी की मिठास नए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में उपयोगी साबित होंगे। वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। व्यापार धंधे में लाभ के साथ सफलता मिलेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तुला, आज आपको स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना पड़ेगा। मानसिक स्वस्थता भी कम रहेगी। अविचारी और मनमाना व्यवहार आपको मुश्किल में डाल सकता है। वृश्चिक, गणेश जी के आशीर्वाद से नौकरी धंधा और व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मित्रों, सगे संबंधियों और बुजुर्गों से भी लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। धनु, गणेश जी कहते हैं कि आज आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों के खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य भी बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। मकर, गणेश जी कहते हैं कि बौद्धिक कार्य या साहित्य लेखन जैसी प्रवृत्तियों के लिए आज अनुकूल दिन है। आपके व्यवसाय में नई विचारधारा आपके कार्यों को नया स्वरूप देंगे। कुंभ, गणेश जी आपको आज निषेधात्मक कार्यों और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह देते हैं। झगड़े और विवाद से बचें, क्रोध और वाणी पर संयम रखें। मीन, गणेश जी कहते हैं कि दैनिक कार्यों में से बाहर निकलकर आज आप घूमने और मनोरंजन के पीछे समय बिताएंगे। स्वजनों तथा मित्रों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं।